दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के दो कोर्सेज, जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज और 5-6 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स इसको डाउनलोड करनी होगी। वहां पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आदि 250 से अधिक कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो हमारे एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में फ्री नोट्स डाउनलोड का भी ऑप्शन है। अब हम इस वीडियो में आप बच्चों को जो टॉपिक समझाने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। देखिए, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका यह मानना था कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो कम से कम होना चाहिए, यानी कि उनका जो जेबी से थे उनका यह मानना था कि सबसे अच्छा टैक्स वो होता है जिसमें सबसे कम टैक्स जनता पब्लिक से वसूला जाता है और सबसे कम पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो प्रोसेस सबसे अच्छा रहता है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने जो टैक्सेशन सिस्टम है और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एज्यूम किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार कौन कितना टैक्स वसूला जाए और कितना एक्सपेंडिचर किया जाए। तो जो इसका आंसर देने का काम जो किया था वो पिगू ने किया था, डाल्टन ने किया था, यानी कि ये हम जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं डाल्टन की थ्योरी पढ़ा रहे हैं। और बेसिकली उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि टैक्स और एक्सपेंडिचर इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हमें मिल सके। तो बच्चों, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो है वो थ्योरी हम आपको पूरी तरीके से इस वीडियो में के माध्यम से समझाने वाले हैं, यानी कि हम समझेंगे क्या इसके एग्जम्पशन है, क्या कंडीशन है और किस तरीके से सोशल वेलफेयर को या सोशल एडवांटेज को मैक्सिमम किया जा सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज स्टेट दैट देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंस द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर का और टैक्सेस के जो इफेक्ट है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए, टैक्सेस जो है वो डिसयूटिलिटी क्रिएट करता है, यानी कि डिसयूटिलिटी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति टैक्स जब पे करता है तो उसको डिसकंफर्ट होता है। इसी तरीके से जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है तो उससे क्या होता है, उसको यूटिलिटी क्रिएट करती है, यानी कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज तब होगा जब टैक्स से मिलने वाली डिसयूटिलिटी और पब्लिक एक्सपेंडिचर से मिलने वाली यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर हो। ऐसा ये थ्योरी समझाने का प्रयास आपसे कर रही है। पर जो थ्योरी समझाऊं उससे पहले कुछ इसके अजम्पशंस हैं। जैसे टैक्सेस आर मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो टैक्स है। इस पूरी की पूरी थ्योरी में टैक्स ही इनकम का सोर्स माना गया है, बाकी के सोर्सेस के बारे में यहां पे फोकस नहीं किया गया। तो आप भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि टैक्स ही इनकम का सोर्स है। इसके अलावा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, यानी कि जैसे जैसे आप पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो वैसे वैसे एक्सपेंडिचर से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाएगी, यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति पर ज्यादा खर्चा किया जाएगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेना है। इसके अलावा टैक्सेस आर सब्जेक्ट टू इंक्रीज मार्जिनल सोशल डिसयूटिलिटी, यानी कि जैसे जैसे टैक्सेस को बढ़ाते हो टैक्सेस की वजह से जो डिसयूटिलिटी होती है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी कि एक्सपेंडिचर से यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, मार्जिनल जो उसका यूटिलिटी मिल रही है, और जो टैक्सेस अगर आप लगाते हो तो उसकी वजह से जो डिसयूटिलिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, ऐसा मानना था डाल्टन की थ्योरी में। इसके अलावा द गवर्नमेंट हैज बैलेंस बजट, बैलेंस बजट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा बराबर रहता है, इस तरीके की बच्चों थ्योरी है। अब हम बात करते हैं सोशल मैक्सिमम एडवांटेज थ्योरी की कंडीशंस की। तो तीन कंडीशंस है जिसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि टैक्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सैक्रिफाइज बाय ऑल टैक्सपेयर इज द सेम। अब हम यहां पे इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि अगर हम चाहते हैं सोशल यूटिलिटी को, सोशल एडवांटेज को मैक्सिमम करना, तो पहली कंडीशन ये है कि टैक्सेस को इस तरीके से लगाया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति जो टैक्स पे कर रहा है उस पर टैक्स का जो बर्डन है वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से पड़े। ये पहली कंडीशन उन्होंने बोली है। देखिए, यहां पे हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहां पे दो व्यक्ति हैं, ए है और एक बी है। यहां पे एक पर अगर आप एक यूनिट टैक्स लगा दे तो एक पर 10 का बर्डन पड़ेगा, दो लगाते हो तो 12 का बर्डन पड़ेगा, तीन लगाते हो 14 का, 16 का, 18 का, यानी कि जैसे जैसे आप टैक्स की लगा रहे हो टैक्स से मिलने वाला जो बर्डन है वो बढ़ता चला जा रहा है, डिसयूटिलिटी बढ़ती चली जा रही है, मार्जिनल डिसयूटिलिटी बढ़ती चली जा रही है। इसी तरीके से बी का है, हालांकि बी पर जो यूटिलिटी है वो इस तरीके से है,
मतलब एक तरीके से बढ़ ये भी रही है, लेकिन इसकी यूटिलिटी डिसयूटिलिटी कम है, इसकी डिसयूटिलिटी ज्यादा है। अब गवर्नमेंट को टैक्स इस तरीके से लगाना है कि दोनों की यूटिलिटी बराबर बराबर हो, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे टैक्स लगाया जाए कि दोनों पर ही 12-12 की डिसयूटिलिटी हो। इसका मतलब इसके लिए 12 कितना है यहां पर है और इसके लिए 12 कितना है यहां पर है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो ए है उसको 2 रुपए का टैक्स लगेगा और जो बी है जो बी है उस पर 3 रुपए का टैक्स लगेगा। सिंपल तरीके से समझने की कोशिश ये कीजिएगा, इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो ए पर कितना टैक्स लगाएगी, यानी कि दोनों का जो टैक्स बर्डन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जिसका क्या मतलब है टैक्स जो है वो जस्टिफेबल है, न्यायशील है, यानी कि जो अमीर व्यक्ति है उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा क्योंकि उसके लिए यूटिलिटी डिसयूटिलिटी टैक्स देने की कम होगी, और जो गरीब होगा उस पर ज्यादा कम टैक्स लगेगा। यही बात यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। डायग्राम के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये हमारा है टैक्स अमाउंट है, यहां पर हम लिख लेते हैं डिसयूटिलिटी। अब जैसे ए की बात करें तो अगर मान लीजिए हम इस तरीके से लें कि ये हमारी है बी की डिसयूटिलिटी, सॉरी ये ए की डिसयूटिलिटी है और ये बी की डिसयूटिलिटी है, तो दोनों पे डिसयूटिलिटी कब कब बराबर होगी, दोनों की डिसयूटिलिटी तब बराबर होगी। देखिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा, डिसयूटिलिटी तब बराबर होगी जब दोनों पर इक्वल अमाउंट में टैक्स लगाएगा। सॉरी ये तो मैंने गलत बना दिया डायग्राम, एक मिनट ऐसे बनेगा, ये है हमारी ए का और ये है बी का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टैक्स लगाते हो 1 यूनिट का तो इस पर आपको ज्यादा टैक्स लगेगा, यानी कि इस पे टैक्स का बर्डन ज्यादा आएगा, इस पे टैक्स का बर्डन कम आएगा, ये इसका मतलब है। ओके बच्चों, इसलिए जो बी है वो ऊपर इस तरफ है और जो ए है वो इस तरफ है। टैक्स इस तरीके से लगाया जाएगा जिससे कि दोनों पर जो मिलने वाला बर्डन है वो इक्वल हो, यानी कि 12 का बर्डन हमें लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी होगा वो टैक्स पे करेगा 3 का और जो ए होगा वो टैक्स पे करेगा 2 का। इस तरीके से दोनों के दोनों की जो डिसयूटिलिटी है वो बराबर हो। तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों, पहली कंडीशन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि टैक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सैक्रिफाइस बाय ऑल टैक्स पेयर इज द सेम, यानी कि जो टैक्स पेयर पे कर रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ भी रही होगी। इसी तरीके से सेकंड जो कह रहा है, सेकंड कह रहा है पब्लिक स्पेंडिंग इज डन सच अ बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच आइटम आर बिकम इक्वल, यानी कि जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उस पैसे को खर्च करने से सभी व्यक्तियों को जो यूटिलिटी मिल रही है वो इक्वल होनी चाहिए, ऐसी दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई है। देखिए यहां पे समझिएगा, ये एक अमीर व्यक्ति है और इस अमीर व्यक्ति पर अगर आप बेनिफिट पैसे खर्च करोगे तो इसको कम बेनिफिट मिलेगा कंपैरेटिवली इसके, इसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है दोनों को बेनिफिट देना। अब यहां पे तो बच्चों हम ऐसे बता रहे थे कि गवर्नमेंट चाहती है कि दोनों को इक्वल बेनिफिट मिले। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप खर्चा करोगे आपका बेनिफिट कम होगा, जितने ज्यादा हॉस्पिटल होंगे एडिशनल हॉस्पिटल से मिलने वाली यूटिलिटी कम होगी। अब गवर्नमेंट मान लीजिए दोनों को 8 यूटिलिटी देना चाह रही है, तो इसका मतलब है कि इस पर 4 रुपीज खर्च करेगी और इस पर 2 रुपीज खर्च करेगी, यानी कि दोनों की यूटिलिटी देखिए इस कंडीशन में क्या है, बराबर बराबर हो गई है। यानी कि ज्यादा बेनिफिट किसको दिया जाएगा, जो गरीब होगा जिसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी उसको ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया जाएगा और जो अमीर होगा उसको कम यूटिलिटी प्रदान की जाएगी। डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं बच्चों इसको, ये वाली जो है ये बी होगा, ये वाला जो है दिस वन ये ए की यूटिलिटी है और ये वाला जो है ये बी की यूटिलिटी है। यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, दोनों की यूटिलिटी को बराबर करने के लिए 8 रुपए की यूटिलिटी बराबर करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्पेंड करेगी गवर्नमेंट वो करेगी ए पर 2 रुपए और बी पर कितना खर्चा करेगी 3 रुपए का या 4 रुपए का। कहने का सिंपल मतलब बच्चों ये है कि इस तरीके से गवर्नमेंट खर्चा करेगी कि सभी पर मिलने वाला टैक्स का जो डिसयूटिलिटी है वो बराबर हो और
पब्लिक एक्सपेंडिचर से मिलने वाली यूटिलिटी बराबर बराबर हो। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है बच्चों। दूसरी कंडीशन भी हमने आपको समझा दी। तीसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन बताती है कि द सोशल बेनिफिट फ्रॉम रुपीज, यानी कि जो सोशल बेनिफिट हुआ है सभी को मिलाकर, वो तो अलग अलग इंडिविजुअल इंडिविजुअल की बात की थी, अब हम कहते हैं सभी को मिलाकर जो बेनिफिट है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, किसके द्वारा बेनिफिट मिला है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करने से, और मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस है, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस किसकी वजह से हुआ है, टैक्स की वजह से, यानी कि मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट ये क्या टैक्स कहना चाह रहा है कि जो पैसा हम मार्जिनल, मतलब एक तरीके से जो पैसा हम टैक्स के माध्यम से कलेक्ट कर रहे हैं जिससे मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस क्रिएट हो रहा है, और जो पैसा हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से खर्च कर रहे हैं जिससे मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्रिएट हो रहा है, वो दोनों का बराबर बराबर होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी कंडीशन है। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मार्जिनल सोशल बेनिफिट की बात करें तो जैसे जैसे आप खर्चा करोगे ज्यादा, मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है वो कम होता चला जाएगा। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, मार्जिनल सोशल बेनिफिट कम होता चला जाएगा। मैं डायग्राम के थ्रू भी अगर आपको बताने की कोशिश करूं, मैं छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं इसके लिए। देखिए मार्जिनल सोशल बेनिफिट का डायग्राम, मार्जिनल सोशल बेनिफिट का मतलब है एडिशनल पैसा खर्च करने से, एडिशनल रुपीस खर्च करने से आपको कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिख देते हैं यूनिट ऑफ रुपीस, यूनिट ऑफ रुपीस, और इस तरफ लिख देते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट। यानी कि जैसे जैसे आप पैसा खर्च कर रहे हो आपका जो बेनिफिट है वो घटता चला जा रहा है, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, इसे बोलेंगे मार्जिनल सोशल बेनिफिट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से मार्जिनल सोशल कॉस्ट है। मार्जिनल सोशल कॉस्ट का मतलब है कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हो उसे खर्च करने से सोसाइटी को कितना कष्ट हो रहा है, एडिशनल कितना बर्डन उनके ऊपर पड़ रहा है, कितना दुख उनको हो रहा है। तो जैसे जैसे आप टैक्स का अमाउंट बढ़ाओगे आपका जो सोशल कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब इस तरीके का डायग्राम बनाओगे अगर आप मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस को दिखाना चाहते हो। डायग्राम के थ्रू ही बच्चों हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम तब होगा। मैं यही बना देता हूं आपको छोटा सा इस तरीके का, मैं एक अलग डायग्राम बना देता हूं आपको बिल्कुल सिंपल समझाने के लिए। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये ना दिस वन, ये हमारी एक तरीके से यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट, और ये जो है ये हमें डिसयूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। अब मान लीजिए कि दोनों कंडीशन में जब ये दोनों बराबर है तो गवर्नमेंट जो है वो ₹3 खर्च कर रही है और दोनों से ही जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो 60 है, यानी कि इस केस में कंडीशन में मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस बराबर है मार्जिनल सोशल बेनिफिट के। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ₹2 का टैक्स लगाती है, ₹2 ही खर्च करती है। मान लीजिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ₹2 का टैक्स लगाती है और ₹2 ही खर्च करती है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं ₹2 का टैक्स लगाती है, ₹2 ही खर्च करती है, तो इसका मतलब है कि इस वाले केस में आप देख पा रहे हैं कि बेनिफिट इतना हो रहा है जबकि सेक्रीफाइस इतना हो रहा है। इसका मतलब एक तरीके से ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये लॉस में चला गया, लॉस में चला गया, यानी कि इतना बेनिफिट हो सकता था, यानी कि बेनिफिट ज्यादा हो रहा है सेक्रीफाइस कम हो रहा है, इसका मतलब ये हम अचीव कर सकते थे लेकिन हम अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि सरकार केवल ₹2 ही खर्च कर रही है, ₹2 का ही टैक्स वसूल रही है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्टिमम लेवल नहीं है, हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम ये बताने की कोशिश करें तो इसी तरीके से मान लीजिए ये देखिए, अगर गवर्नमेंट ₹4 खर्चा करती है, ₹4 का टैक्स लगाती है तो भी समस्या वही है क्योंकि कॉस्ट सेक्रीफाइस इतना करना पड़ रहा है और बेनिफिट इतना हो रहा है, तो ये हिस्सा लॉस में चला जाएगा एक तरीके का। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऑप्टिमम लेवल जो मिलेगा वो यही लेवल मिलेगा जहां पर मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस और मार्जिनल सोशल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो। यही बात आपको समझाने का प्रयास डाल्टन कर रहे थे।
डाल्टन के इस अप्रोच को मजग्रेव ने एक सुधार की तरह प्रेजेंट किया, हालांकि आप इसको कह सकते हो सुधार नहीं कह सकते, बल्कि आप ये कह सकते हो कि मजग्रेव ने भी यही अप्रोच को समझाया, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग रखा। तो मजग्रेव ने क्या समझाया बच्चों, वो भी हम समझ रहे हैं। देखिए मजग्रेव जो है, रिचर्ड मजग्रेव की जो अप्रोच है, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हैज बीन इंटरप्टेड बाय इकोनॉमिस्ट रिचर्ड मजग्रेव हु टर्म द मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन। देखिए याद रखिएगा इसको, इसको उन्होंने क्या कहा, मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू मजग्रेव द प्रिंसिपल एक्सप्लेन दैट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड कैरिड आउट अप टू द लेवल वेयर सेक्रीफाइस ऑब्टेन फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट इक्वल टू सेक्रीफाइस फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ मनी टेकन फ्रॉम द टैक्सेस। बात वही है, यानी कि उनकी भी थ्योरी वही कह रही है कि लास्ट रूपी टैक्सेस और पब्लिक एक्सपेंडिचर को इस तरीके से खर्च किया जाना चाहिए कि टैक्स लगाने से, जो लास्ट यूनिट टैक्स लगाने से जो सेक्रीफाइस हो रहा है और जो लास्ट यूनिट पैसा खर्च करने से जो बेनिफिट हो रहा है, वो दोनों का बराबर बराबर होना चाहिए। तो डायग्राम के थ्रू बच्चों हम उनकी कंसेप्ट को समझा देते हैं आप बच्चों को। देखिए ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ताकि डायग्राम हम बड़ा सा बना सकें। देखिए ये है जीरो, यहां पे यूटिलिटी और यह डिसयूटिलिटी, ठीक है। टैक्सेस लगाने से, हर प्रकार के टैक्स लगाने से डिसयूटिलिटी क्रिएट होती है, तो इस तरीके का हम मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हैं, ये टैक्स लगाने से लगेगा, यानी कि टैक्स लगाने से आपकी डिसयूटिलिटी क्रिएट होगी, उसको उन्होंने इस तरीके से बोल दिया। और जब आप सेक्रीफाइस करते हो, जब आप खर्चा करते हो, यानी कि यह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टैक्स है, और जब आप खर्चा करते हो तो आपको एक तरीके का बेनिफिट मिलेगा, जिसको क्या हम बोल देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि पॉजिटिव है। हालांकि आप देखोगे तो जैसे जैसे आप टैक्स का अमाउंट बढ़ रहा है, ये है अमाउंट, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है आपकी, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे डिसयूटिलिटी बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी जो यूटिलिटी है वो घटती चली जा रही है। वही बात है सारी की सारी, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको एक लाइन के थ्रू ड्रॉ कर देते हैं, मतलब लाइन जो है वो बीच के डिफरेंस को बताने के लिए है, यानी कि जैसे ऐसे आपका लेवल, ये देखिए डिफरेंस को बताने के लिए है, यानी कि बीच के डिफरेंस को बताने के लिए है। अब इस वाली कंडीशन में मान लीजिए हम एक अमाउंट ले लेते हैं, कोई लेवल ले लेते हैं एन, एम टी नाम लिख लिया, नाम में क्या रखा है बच्चों, देखिए ये हमने एन ले लिया है, ये एम ले लिया है, ये टी ले लिया है, इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए इसको बोल दिया, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, डी ई एफ और जी और एच, नाम हमने ऐसे दे दिए बच्चों इनको पॉइंट वाइज। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम ले लेते हैं बजट लेवल ओ से लेके एन तक, तो इस केस में मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम स्पेंडिंग, यानी कि मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम स्पेंडिंग, यानी कि बेनिफिट जो हो रहा है स्पेंडिंग करने से, इसको मार्जिनल बेनिफिट भी बोल सकते हैं ऑफ स्पेंडिंग, वो हो रहा है एन के बराबर, एन के बराबर, जबकि जो बेनिफिट है, जो 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 सेक्रीफाइस है, वो है सी एन के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि इस कंडीशन में हमारा जो नेट बेनिफिट है वो किसके बराबर है, एक्स्ट्रा बेनिफिट बी एन के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में हमें, इस केस में हमारा जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो ज्यादा है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस से। बिल्कुल सिंपल तरीके से बच्चों हमने समझाने की कोशिश किया बच्चों को। इसी तरीके से अगर हम लेवल ले लें ओ एम, ओ एम या ओ एम की जगह ओ टी ले लेते हैं, तो ओ टी लेवल पे आप देखिए हमारे को जो बेनिफिट मिल रहा है वो टी एफ का मिल रहा है, जबकि जो हमें डिसयूटिलिटी हो रही है वो टी से लेके एच तक हो रही है, टी से लेके एच तक हो रही है। इसका मतलब डिसयूटिलिटी ज्यादा है, जो कि टी जी के बराबर है, यानी कि टी जी के बराबर हमें टोटल मिलाकर डिसयूटिलिटी हो रही है, ये हम डिसयूटिलिटी लिख देते हैं। और इस केस में मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है वो कम है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस से।
लेकिन अगर हम इस कंडीशन की बात करें ओएम पर, ओएम लेवल की बात करें, तो ओएम लेवल पर हमारी जो बेनिफिट है वो है एम एम डी के बराबर है, और जो हमारी जो बीएलएस करनी पड़ रही है वो एम ई के बराबर है। अल्टीमेटली ना हमें बेनिफिट हो रहा है ना हमें कॉस्ट हो रहा है, तो इसी को बच्चों सोशल ऑप्टिमम लेवल को मैक्सिमम पॉइंट बताने की बात मसग्रीव के द्वारा की गई है। बच्चों डायग्राम मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि अल्टीमेटली बात वही है कि टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए कि दोनों पर लगने वाला जो बर्डन है, जो दुख है, जो परेशानी है और जो खुशी है वो बराबर बराबर हो, उसको बोलते हैं बच्चों सोशल मैक्सिमम बेनिफिट या प्रिंसिपल ऑफ सोशल मैक्सिमम बेनिफिट। यहां पर बच्चों हम इस थ्योरी की कुछ आलोचनाएं, कुछ क्रिटिसिजम्स भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली क्रिटिसिज्म आप ये कह सकते हो कि इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे आप पैसे खर्च कर रहे हो मार्जिनल बेनिफिट जो है वो घटता चला जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितना मार्जिनल बेनिफिट है ये पता करना कोई आसान काम तो है नहीं, क्योंकि यूटिलिटी मन की स्थिति है, इसको कैसे पता लगाया जा सकता है। यानी कि यहां पे कहने का मतलब ये हुआ कि हम जिस अजम्पशन को लेके चल रहे हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि जैसे जैसे आप एक्सपेंडिंग करते हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ स्पेंडिंग डिमिनिसाइज, ये सही है लेकिन ये कार्डिनल अप्रोच है, उसकी मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा बच्चों इसमें केवल गवर्नमेंट का एक टैक्सेस जो टैक्स रेवेन्यू है उसको इनकम का सोर्स माना गया है। गवर्नमेंट की इनकम के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू में और कैपिटल रेवेन्यू भी होता है, बहुत तरीके के सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के पास में, जिसके बारे में यहां पे किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं कहा गया। गवर्नमेंट में केवल टैक्स सिस्टम को ही एक तरीके से टैक्स को ही इनकम का एक सोर्स माना गया है। इसके अलावा ये स्टैटिक कंडीशन में ही लागू होता है, यानी कि पॉपुलेशन का जो चेंज है ना उसका असर बताया गया, ना डिमांड कंडीशन चेंज का असर बताया गया, ना सप्लाई कंडीशन का असर चेंज बताया गया, ना ही इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने का क्या असर पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से बाकी की सब चीजों को स्टैटिक मान के कह दिया गया है कि टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बराबर बराबर होना चाहिए, जो कि ये थ्योरी की गलती है। इसके अलावा बच्चों देखिए गवर्नमेंट का जो आज खर्चा करती है उसका बेनिफिट आज ही नहीं मिलता बल्कि भविष्य में भी मिलता है। गवर्नमेंट खर्चा कर रही है आज मेट्रो बनाने पर, लेकिन मेट्रो बनाने का खर्चा का जो फायदा है वो 20 साल बाद मिलेगा, 30 साल बाद मिलेगा, 50 साल बाद मिलेगा। भारत में जो बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी उसका फायदा हमारी आने जनरेशन को मिलेगा। इस पूरी की पूरी थ्योरी में यह कहा गया है कि आज जो टैक्स खर्च कर रहे हो उसका जो सेक्रीफाइस है और आज जो खर्च पैसा मिल रहा है उसका जो बेनिफिट है वो बराबर बराबर होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कहां होता है? गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो भविष्य के नजरिए को भी ध्यान में रखकर करती है, जिसके बारे में इस पूरी की पूरी थ्योरी में कोई बात नहीं कही गई। इसके अलावा जो गवर्नमेंट मिसयूज ऑफ फंड भी करती है, गवर्नमेंट कई बार ऐसी जगह भी खर्चा कर देती है। अब मेरे घर के बाहर में एक साइकिल लेन बना दी गई, अब साइकिल पर कोई नहीं चलता, किसी को मैंने आज तक चलते हुए नहीं देखा, लेकिन वो फिजूल खर्ची कर दी गई। इसी तरीके से एक 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 ने पार्क बना दिया, बड़े बड़े हाथी लगा दिए, मुझे नहीं पता कि उसकी क्या यूटिलिटी है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये कह देना कि सरकार केवल यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए खर्चा करती है, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि हर खर्चा जो सरकार कर रही है वो यूटिलिटी क्रिएट करे ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा ऑल टैक्सेस आर नॉट हार्मफुल, देखिए ये कह देना कि सभी प्रकार के टैक्स हार्मफुल है ये भी गलत बात है, क्योंकि सरकार अफीम पर, दारू चरस पर, या मतलब एक तरीके से ये सब खैर तो इलीगल है हमारे देश में, वाइन पर, तमाकू पर बड़ी मात्रा में टैक्स लगाती है। तो आप ये कह देना कि सारे के सारे टैक्स हार्मफुल है ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत बड़े साइज का बजट बनाती है जिसमें ये पता लगाना कि किस लेवल पे जाके बेनिफिट और कॉस्ट बराबर हुआ है लगभग लगभग इम्पॉसिबल है बच्चों। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट है जो मैंने आप बच्चों को समझाया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।